Yeah, bro. Morning. What? Kailash! Hi, hello, namaste, welcome to... Kailash! Time check! I'm ready. ये लो, बहुत देर हो गई यार, सिर्फ 10 मिनट बचा है, कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। नो वरीज। अरे यार, सुबह सुबह इतना ट्रैफिक कैसे? भाई भगा भगा, जल्दी भगा। और ड्रेस ड्राफ्ट रेडी? हाँ, मैंने रेडी करके रख दिया है। फोन आ रहा है यार, मैं अब इसका फोन नहीं अटेंड कर सकता। मेरे पास झूठ बोलने के लिए कोई वजह नहीं बची, अब क्या करूं? पहले इतना झूठ बोल चुका हूं। 5 मिनट बोल दे। भगा भगा, सामने जो भी आए उड़ा दे उसे। अंदर से निकाल। भाई अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। चल चल हरी अब। Thank you.
இறக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே நேரங்கள் காலங்கள் சில் பண்ண தேவையில்லை சியர்ஸ் என்று கூவிப்பார் சொர்க்கமும் தூரம் இல்லை சாட்டர்டே நைட் மட்டும் பாடிகள் போதவில்லை அன்றாடம் சன்பர்ன் தான் வேறு வேலை இல்லை சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே ஃபாஸ்ட்டாக லோடாகும் ஓகே லீட் டைம் என்ன சொன்னீங்க 1 மந்த்ல பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஐ டெக்ஸ்ட் யூ மட்டும் கையில் உண்டு காரணம் தேவையில்லை இருக்கும் வரைக்கும் அனுபவி கடிகாரம் இல்லாய் கால்கள் எங்கும் நிற்பதில்லை யார் என்ன சொன்னா என்ன உனக்கு பிடித்தால் எதுவும் சரி இலக்கணம் உடைக்கலாம் படைப்புகள் திறக்குமே விதிகளால் நிறுத்தினால் வெடி உரைத்தால் கதவுகள் திறக்குமே முடியாத வெப்பம் மூளைக்குள்ளே வந்து கொள்ள வேகம் வந்தாச்சே இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே महीने से उसे देख रहा है उसका नाम तो पूछ ले आज देख रोज ही तो देखता हूं ₹99 मैडम ओके भैया ₹10 वाला रिचार्ज कूपन देना
बस एक ही चाहिए मैडम? हाँ बस एक। मैडम ये क्या है? सॉरी, 10 रुपए चेंज नहीं थे इसलिए ये। तो हम लोग चॉकलेट नहीं ले सकते हैं मैडम? आपके पास चेंज नहीं था तो आपने भी तो चॉकलेट दी थी और मैंने ले ली थी। मैं नहीं ले सकता मैडम, वो 1 रुपए थे और ये 10 रुपए हैं। क्यों, 1 रुपए की कीमत नहीं होती क्या? 1 रुपए और 10 रुपए बराबर थोड़ी होते हैं मैडम। बराबर ही है, मेहनत से चाहे 1 रुपए कमाओ या 10 रुपए कमाओ। एक्चुअली आप मुझे अगर चॉकलेट देंगे उसमें भी आपका फायदा है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इसे बेच रही हूँ। अगर आप इस बिजनेस में 20 पैसे भी बचा रहे हैं तो एक दिन में 100 कस्टमर्स से कितने बचा लेंगे? 20 रुपए तो हो ही जाएंगे ना। और इस तरह पूरे महीने अगर आपने, सॉरी, मुझे यकीन है आपको बात समझ आ गई होगी। ये मार 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 क्या लड़की है यार। अरे ध्यान से देख, वो अंडरटेकर है। ए, वो सनी चलाती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बारे में तो हमेशा बात करता है तू। अरे रे, तब सिर्फ चेहरा देखकर बोला। अरे रे, आज कैरेक्टर देखकर बोला। अंडरटेकर मार खा रहा है यार। दारू चिप्स सॉस सोडा, आ विनर विनर चिकन डिनर यार। अरे हम बिना बिल देखे कार्ड स्वाइप कर देते हैं, आज उसने 1 रुपए का ऐसा लॉजिक दिया, दुकानदार फ्रीज हो गया यार। ये तो पागल हो गया। मेरे लिए ये लड़की परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता वो पटेगी। ए, क्यों भी? डर लग रहा है ना, अगली बार उसे अपने दिल की बात खुल के बोल दे। अपन ब्रेकफास्ट नहीं सीधा लंच करेंगे। प्यार का इजहार करने के बारे में इतना सोच मत यार। भाई मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि मुझे सोने नहीं देगा? तूने जो कहा सही है, हमने बहुत पार्टी कर ली, बहुत लड़कियां देख ली, लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो कुछ और ही है यार। मैंने डिसाइड कर लिया, कल उसे बता दूंगा। देख भाई, मैं उसे देखते ही बोल दूंगा। बात को बिल्कुल ड्रैग नहीं करूंगा, पर अब तक आई नहीं है, जैसे ही दिखेगी ना मैं। रात भर तो सोने नहीं दिया, अब गाड़ी चलाते वक्त भी सोने नहीं दिया। देखना कैसे बोलता हूँ। हाँ हाँ बोल दे। क्या कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? भाई मेरी गलती नहीं है, इसने रात को मुझे सोने नहीं दिया। लगता है ये भी नींद में गाड़ी चला रही थी। लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ, पैसे बच गए यार। अबे हट, चुप कर। अच्छा चांस है भाई, बोल दे आज। इतना सोच मत यार, दिल की बात बोल दे उसको। हे, डोंट वरी, पहचान गए, जल्दी रेडी कर देगा। हे, गाड़ी देख के हंस क्यों रहा है? सुना था हंसने से जिंदगी बढ़ती है, तो हंस रहा था, सोचा कि ये ठीक हो जाएगी क्या। वाह क्या बात बोली है, 100 साल जिएगा। अब बता गाड़ी को क्या हुआ है? अरे मामूली सी प्रॉब्लम है, देखो मैं 10 मिनट में ठीक करता हूँ। सुन, 200 रुपए देता हूँ, उसको बोल 2 घंटे लगेंगे। ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? लव का मामला है रे। लव है या मामला है? अबे अंदर से जो आता है ना वो लव, उस लव का मामला है। मैडम 2 घंटे लगेंगे, तब तक कहीं घूम के आ जाइए। ठीक है भैया, आप इसे रेडी कर दो, मैं तब तक जाकर आती हूँ, एक जरूरी काम है। तो आपको कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब हमारी वजह से हुआ है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। कहाँ जाना है बताइए, मैं ड्रॉप करता हूँ। ये है ना, ये गाड़ी के पास रुक जाएगा, है ना भाई? नहीं नहीं, दैट्स ओके। अब आपको जल्दी है तो बस से तो नहीं जाएंगे ना, या तो ऑटो करेंगे या फिर कैब। कम से कम 100 रुपए खर्च होंगे, एक्सीडेंट हमारी वजह से हुआ, 100 रुपए आप खर्च करेंगे। देखिए मेहनत करके कमाने वाले के लिए 100 रुपए क्या, 1 रुपया भी जरूरी होता है। मेरी गाड़ी कोई कैब समझ लीजिए। चलो अच्छा है, चले गए। थैंक्स ब्रो। हाँ ब्रो, से मुझे एक बात याद आती है, दोनों आसपास रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है। वो ब्रो कौन है? आई ब्रो। यस मैम। हाँ निकल चुकी हूँ। हाँ मेरे पास है।
श्योर मैम। नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगी। ओके मैम, सी यू। अर्जेंट है, जल्दी जाना। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नर्स है ना? फिजियोथेरेपिस्ट? क्यों पूछ रहे हो? जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना वही मेरा घर है। मेरे ऑफिस के पास मैंने आपको कई बार देखा है। हफ्ते में एक बार आती है, करेक्ट ना? आती है, गाड़ी पार्क करती है, ये बॉक्स भी आपके साथ ही होता है, फिर 2-3 घंटे बाद वापस जाती है। मेरी पहचान की एक बुजुर्ग औरत रहती है वहाँ। आई एम गेसिंग आप उन्हीं को कुछ ट्रीटमेंट देने के लिए आती है। इस तरह आपको फोन पे अर्जेंटली बुलाया है, इसीलिए सोचा कंफर्म करूं। ओह, लगता है मेरे बारे में काफी कुछ नोट कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के सामने भी एक बूढ़ी दादी रहती है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है ना, इसीलिए ऐसे ही ऑब्जर्व करता हूँ कौन आता जाता रहता है। आपने बताया नहीं आप क्या करती हैं। ब्यूटीशियन हूँ। ओह, ब्यूटीशियन। काम कहाँ करती हैं? फ्रीलांसर हूँ, डोर टू डोर सर्विस। दैट्स द बेस्ट। ओह बाय द वे, मैं भी फ्रीलांसर हूँ, ऐप डेवलपर। आपकी ब्यूटी सर्विस के लिए अगर कोई ऐप चाहिए तो बता देना। नंबर क्या है? नहीं, अगर कभी ब्यूटी सर्विस की जरूरत पड़ी तो कॉल कर लूंगा। सॉरी, दिस इज लेडीज ओनली सर्विस। डोंट वरी यार, मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ। आई विल रेफर यू। अच्छा, वैसे हमारे घर के सामने क्यों आई थी? वहाँ एक दादी है ना, उनके लिए। दादी को ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हफ्ते में एक दिन मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बहुत कुछ करवाती हैं। कैलाश कहता रहता है वो दादी बहुत खूबसूरत है, तो ये वजह है। बस बस, यही यही रोक दीजिए। थैंक्स अ लॉट। नो वरीज। इस काम में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, टाइम पर पहुंचना होता है, तो मुझे सही टाइम पर पहुंचाने के लिए थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा थैंक्स बचा कर रखिए, काम खत्म होने के बाद आपका स्कूटर यहीं मिलेगा। अरे रे, आप क्यों परेशानी उठाएंगे, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। मैं थोड़ी लेकर आऊंगा। अरे यार, ये सिग्नल भी कितना लंबा है। ये फोन को भी अभी आना था। हेलो। हाँ, बेसिकली मैं एक बाइकर हूँ, आज ही ये चला रहा हूँ। मेरे पास हार्ली डेविडसन, डुकाटी, केटीएम, ये सारी बाइक्स हैं। मैं तो स्टॉपी, व्हीली सब कुछ करता हूँ। ये तो एक फ्रेंड को हेल्प करना था, इसलिए ये बाइक लेकर घूम रहा हूँ। आज पता चला सिग्नल पर खड़े रहने पर बहुत मजा आता है, और ये सिग्नल को भी अभी ग्रीन होना था। हाँ भाई, आ रहा हूँ। निकल गया। आप हेल्प नहीं करते तो गाड़ी तक पहुंचने में मुझे बहुत देर लग जाती। थैंक यू सो मच। आई एम सिद्धार्थ। ओह सॉरी, मीरा। आई एम इन लव विद यू मीरा। लव? आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। पहली बार आपको घर के पास देखा, देखते ही आपसे प्यार हो गया। क्यों, क्या, कैसे, मुझे खुद नहीं पता। इनफैक्ट आपको देखने के लिए मैंने कई बार इंतजार किया। थोड़ा फिल्मी है, राइट? आई नो इट्स नॉट लाइक मी, पर ये फिल्म पसंद है। जब आपके साथ कार में आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ड्राइव करके और दूर तक जाने का मन किया, इसीलिए दिल की बात कह रहा। शायद ये सब थोड़ा शॉकिंग लगे, सोच कर बता। ये मेरा नंबर है, नोट कर लो, कभी भी फोन करना, मैं इंतजार करूंगा। आई सी यू मीरा।
सिग्नल मिल गया ये तो पक्का है। अरे यार तूने कोई जरूरी कॉल मिस तो नहीं किया? अब तक इस लड़की ने फोन क्यों नहीं किया यार? तुझे टेंशन नहीं हो रहा है क्या? टेंशन क्यों यार, तू उसे प्रपोज करके आया है, वो रिप्लाई करेगी या नहीं, तुझे लाइक करती है या नहीं करती है, टेंशन्स के कई रीजंस है, और तू इतना कूल कैसे यार? यार ऐसा कोई सीन नहीं है, उसे देखा पसंद आई बस बोल दिया, उसे बोलना है तो वो भी बोल ही देगी, उसके बारे में टेंशन लेने का क्या फायदा है? यार कॉल आ रहा है, उसी का है। अरे हेलो, हाय मीरा। नो नो टेल मी। हाँ ओके। हाँ जरूर, श्योर श्योर। ये क्या कर रहा है? ओह डांस कर रहा है। सिर्फ फोन पर ही तो बात किया, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे किस करके आया है। देख पूछूंगा तो ही बताएगा क्या, जल्दी बोल। क्या बोली? मीरा का फोन था। हाँ? मिलने बुलाया है। हाँ? पार्क में जाना है। पार्क बेकार है यार, हयात में बुला वो बहुत अच्छा है। चल होटल पार्क में नहीं यार, फिर गार्डन में। व्हाट? गार्डन में मिलेंगे। क्या यार, किसी होटल में मिलते तो कुछ मजा आता, यहाँ इतनी गर्मी में लाकर खड़ा कर दिया। भाई भाई ओके है ना? एकदम कड़क। आंखें रेड हैं क्या? तमन्ना की तरह एकदम वाइट वाइट है। चल आ हा हा हा, बहुत अच्छा सुगंध है। इसको समझाना पड़ेगा। देख भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, तूने उसे देखा, तुझे पसंद आई, तूने प्रपोज किया, अगर वो लड़की तुझे ना कह दे तो बुरा मत मानना। ओके? इस शहर में और भी बहुत लड़कियां हैं रे, और यार उस दिन मैंने जिस लड़की को देखा था ना, उसका चेहरा एकदम चपाती के आटे की तरह था। चपाती के आटे की तरह? तेरे लेवल की नहीं है यार, छोड़ उसे। My friend. Hi, I'm Sid. Hi. Nice to meet you. Callis. Callis. नाम पसंद नहीं आया क्या? लड़कियां जो पसंद करती हैं वो मुझे पता है। अच्छा परफॉर्म करके इसको पटा ले कैलाश। डूड, तुम दोनों अकेले में जाके बात क्यों नहीं करते? हम लोग वेट करेंगे ना यहाँ पर। टेक योर टाइम यार। गो गो गो। Shall we? हाँ, इसकी सेटिंग तो मेरी वजह से होगी। सेठ भाई एक मिनट सुन ना, इधर आ। देख यार तूने उस लड़की को इतने दिनों से फॉलो किया, उसे पसंद किया, उसे प्यार किया, उसे प्रपोज किया, देखने में लड़की खूबसूरत है, तू भी कुछ कम नहीं है, तू भी तो हैंडसम है, कितना भी बात कर कैसे भी बात कर उसे पटा ले यार, क्योंकि मुझे तुझे जिंदगी में खुश देखना है। ठीक है तो तू अभी जा और घंटों बात कर, तू जितनी बात करेगा उतनी मुझे खुशी होगी। कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। ऑल द बेस्ट भाई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सुनो हमेशा से बुलेट चलाती हो, उस दिन सिग्नल पर देखा था याद नहीं? ये दिखने में थोड़ी डिफरेंट लग रही है। डिफरेंट क्या है उसमें, ओरिजिनल मॉडल ही तो है। तुम में मुझसे ज्यादा ग्लैमर भी है और ह्यूमर भी। चलो अपना नंबर दो। वो किस लिए? सेव करके डिलीट करने के लिए, बात करने के लिए नंबर चाहिए। सॉरी मैं लड़कों से बात नहीं करती। अरे वाह मैं भी लड़कियों से बात नहीं करता। सेम पिंच, चॉकलेट बाद में देना, अभी नंबर दो। मीरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? या उनकी तो सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या, हुक्का पार्लर, ब्यूटी पार्लर, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, मूवीज, लॉन्ग ड्राइव, वो लोग तो कार में घूमते रहेंगे, तुम बाइक पर अकेली घूमोगी क्या? मैं आऊंगा ना तुम्हारे साथ, मेरा भी कोई नहीं है। टेक अ ब्रेक। मेरा क्या रिस्पॉन्ड करेगी उस पे डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होगा, जरूरी नहीं है।
वो किसी को प्रपोज करे और वो रिजेक्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसे देख ले और लड़की पड़ जाती है। दिस इज टू मच। ओके तो बेट लगाते हैं, अगर वो अंदर से लवर बनकर निकले तो अपना नंबर मुझे दे दो, अगर नहीं निकले तो मेरा ले लो। ओके। अरे वाह, सिंगल से कमिटेड हो रहा हूँ, वॉलपेपर पे इसका फोटो लगाऊंगा और दोनों टिकटॉक बनाएंगे। क्या कहा तुमने? क्या हुआ यार, सब ठीक है ना? यस, और गले लग जा। क्या बात है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी भी बन गई। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। हम मामूली समझकर जो इन्हें देते हैं वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जीवन में कईयों को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, पर इन्हें वो भी नहीं मिलता जो जीने के लिए जरूरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस अनाथ आश्रम की वजह से। अगर ये जगह नहीं होती तो मैं नहीं होती। पसंद है तो ले लो, प्राइस मत देखो। hey, मैं कभी प्राइस देखकर नहीं लेती, मैं साइज देख रही थी। डोनेशन में सभी कपड़े एक साथ आते हैं, इसलिए हर तरह का साइज होना बहुत जरूरी होता है। दिन के बाद घर का खाना खाया, प्लीज गुड। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं तो पहली बार घर और फैमिली का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। फैमिली उतनी अच्छी बात नहीं है मेरा, मेरे माँ बाप घर बाहर सब ठीक था। एक दिन माँ और पापा ने डिवोर्स ले लिया, दोनों ने अलग अलग शादी कर ली, अलग अलग फैमिलीज बना ली। अब मैं खुद नहीं जानता कौन सी फैमिली का हिस्सा हूँ। ऐसे साथ रहने से ना रहना ही बेहतर।
सर कार्ड डिक्लाइन हो गया। ये ट्राई करो। सर ये भी डिक्लाइन बता रहा है। ट्राई दिस। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मेरी जान यार, ये दिखने में खास नहीं है लेकिन प्यार में मजा आता है। क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। बैंक में पैसे नहीं है ये भी पता नहीं चला। कार्ड डिक्लाइन हुआ। प्रोजेक्ट के कितने दिन हो गए? पता नहीं यार, शायद एक महीना हुआ होगा। ये सब एक दो दिन के लिए छोड़कर सिंसियरली शॉपिंग करते हैं। What's your Wi-Fi password? Wi-Fi का password क्या है? सर आपका पार्सल है सर। हाँ, 5 मिनट रखो ना। सर आप कहाँ हैं? हाँ, पास में ही हूँ, जल्दी। ठीक है सर, ओके सर, कोई बात नहीं। कितना हुआ? सर 92,000 सर। 92। हेलो सर, डिलीवरी है सर। अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ, आप अभी कहाँ पर हो? आपके घर के सामने हो सर, घर बंद है। मेन रोड पर आकर राइट मारो, चाय की दुकान पर खड़ा हूँ। ये लीजिए। क्या बात है, डैमेज तो नहीं हुआ है ना? कितना हुआ? 88,000। कुमार राजन।
अभी जल्दी से प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं। मैंने कल पूरा बैठकर डाउनलोड किया, कुछ डाउनलोड नहीं हुआ। सर नेट का कनेक्शन मिलेगा क्या? चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, नेट का कनेक्शन अगले हफ्ते लेने वाले हैं। बहुत अच्छा लड़का है तू। भाई रिटर्न आए सभी ब्रांडेड लैपटॉप्स को ऑनलाइन बेचकर जॉब छोड़ देते हैं। कूल डूड, मैंने तो बेचना शुरू कर दिया। मुझे आइसक्रीम चाहिए 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 अभी चाहिए। नो आइसक्रीम। पापा पापा प्लीज पापा। सुन, वो पूरी फैमिली के साथ जा रहा है, साथ में कोई नहीं है। तुम सब तैयार है ना? बहुत अच्छा मौका है। मैंने कहा ना आइसक्रीम नहीं मिलेगी, रात को कोई आइसक्रीम नहीं। पापा मैं आज की बात कभी नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस पापा। परेशान क्यों कर रही हो? नहीं कहा ना नो आइसक्रीम। सिट। भाई वो तो गाड़ी रोक रहा है। गाड़ी साइड में ले। कौन सा फ्लेवर चाहिए? वेनिला। ओके लाता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। दो वेनिला आइसक्रीम दे दो कार में। भाई वो हमें देखते हुए इधर ही आ रहा है। क्या रे, बहुत देर से तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, कोई स्केच है क्या? हाँ। बाहर से आए हो? कितने आदमी हो? हथियार है तुम्हारे पास? हाँ। ठोक दूंगा, मेरा घर बगल में ही है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी तीनों गाड़ी में ही है, सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। तुम आ रहे हो क्या? एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें छोड़कर आता हूँ। गुड, यहाँ 5 मिनट इंतजार करो, K4 पुलिस स्टेशन से गाड़ी आएगी। ठीक है? हाँ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ गाड़ी में कुछ लोग हैं। हाँ भेज दो। तो तुम्हारी आइसक्रीम मिल गई? क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग टू वरी, जोकर्स। तो चले? चलो। ड्राइव पे जाना पसंद करोगे या घर? घर। स्लीपी? नो। लेट्स गो। गांधीनगर का आदमी है सर, रमन ने खुद बुलाया है, उसी ने स्केच भी दिया है। कल नाकाम होने के बाद वो भाग गए हैं सर। उसके दोनों घर को हमने सर्विलांस में ले रखा है सर। मोबाइल स्विच ऑफ है, ट्रैकिंग में डाल दिया है। 24 घंटे में हम उसे पकड़ लेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। यस। घर की सुरक्षा के लिए किसे भेजा? सर गुरु सर और मधु सर हैं। कॉल करूं क्या? नहीं, लंच के लिए घर जा रहा हूं। ओके यस सर। खाना खाया? खा लिया सर। है लैपटॉप एंड कार्टून राइट? कम बैक। क्या हुआ सर? अमजद गीला कपड़ा लाओ। क्या हुआ, कैसे हुआ? सुनिए, पकड़ो इसे और बाहर ले जाओ। संभाल कर बुझाना, संभाल कर। ओके, डोंट वरी नाउ। और चाहिए? सर रमन के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, उसका इसमें कोई संबंध नहीं है सर। सर वो लोग चाकू आकू तो चला सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें यकीन है वो लोग नहीं है? हाँ सर। हाँ सर, लैपटॉप कंटिन्यूस यूज हुआ है, SMPS मदरबोर्ड ये सब पुराना है सर, इसीलिए नॉर्मल से भी ज्यादा हीट हुआ है ये सर। बैटरी इन्फ्लेशन की वजह से फटा है सर। पुराना? इसे खरीदे 10 दिन भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं सर? हाँ सब कुछ पुराना है सर। नहीं नहीं, ब्रांड न्यू, चेक करके लिया था, है ना? कहाँ से खरीदा सर? सर जो भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए हमारी कंपनी मीडिएटर है,
और इजी कार्ड से खरीदे हुए सारे प्रोडक्ट सिर्फ हम नहीं बेचते, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उसे बेचने के लिए हमारे पास हजारों डीलर्स हैं। हर एक डीलर को वेरीफाई करने के बाद ही हम उसे ऑथराइज करते हैं। और आपने जो लैपटॉप खरीदा एल ट्रेडर्स, उनका प्रोफाइल एकदम नीट एंड क्लीन है। इनवॉइस में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, चेक करना पड़ेगा। सर दुबई से वापस है, एक महीना हो रहा है। 20 दिन पहले एक कस्टमर ने लिया था, कलर पसंद नहीं आया इसलिए वापस कर दिया। कस्टमर डिटेल्स है इसमें? यहाँ पर है सर। ओ हाँ, चेक करो। ओके सर। प्रोडक्ट वापस होता है तो चेक नहीं करते हो, ऐसे ही पैक करके दूसरे को भेज देते हो? सर रिटर्न का रीजन क्या है वो देखते हैं सर, उस हिसाब से एग्जामिन करते हैं। रिटर्न का रीजन कलर था, इसलिए डैमेज है, स्क्रैचेस, वर्किंग कंडीशन क्या है चेक करते हैं। अगर सही रहता है तो पैक कर देते हैं। अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं सर। मिला क्या? सर नंबर स्विच ऑफ है, जानकारी भी ले रहे हैं। इसमें कस्टमर का एड्रेस कहाँ है? सर पड़ोसी का घर है, 6 महीने से बंद है, सब लोग विदेश में रहते हैं। सर मुझे अच्छे से याद है, वो घर यही है सर। घर के अंदर जाकर दिया था क्या? नहीं सर, जब मैंने कॉल किया तो वो बाहर गया हुआ था। उसने मुझे 5 मिनट वेट करने के लिए बोला, मैं यहीं पे वेट कर रहा था। थोड़ी देर में वो आया और लेके चला गया। कैसे आया? सर वो किसी टैक्सी में आया था, ओला था सर। दिखने में कैसा था? एकदम हट्टा कट्टा था सर, दिखने में गोरा और लंबा था सर। अमजद सर, यहाँ किसी घर में सीसीटीवी जरूर होगा, चेक करो उसमें कुछ मिलता है क्या। ओके ओके सर। बहुत तीखा था ना? तीखा मुझे तो नहीं लगा। क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है? पहचान वाला है, मुझे भी यही लगा था, पर ये वो नहीं है। पहचान वाला है तो क्या हुआ? वो सब मत पूछ यार, कितना भी पूछ ये नहीं बताएगी। अपने आप को दोस्त कहती है मगर पर्सनल बात कुछ नहीं बताती। ए, क्या बोल रहे हो? अरे मैं थोड़ी कुछ पूछ रहा हूँ, सिद्धू पूछ रहा है, मैंने थोड़ी कुछ पूछा। ए छोड़ना, जब मन करेगा बता देगी। चेक। मेरे पापा एक शराबी हैं। वो पीने के बाद हमेशा क्लब में ही रहते हैं। क्लब मतलब डांस पार्टी, वो वाला नहीं, जुआ। जो कुछ भी था सब गवा दिया उन्होंने जुए में। एक दिन इतने नशे में थे कि जुए में मुझे भी हार गए। वो आदमी 50 साल का है, उसने सब कुछ प्लान करके किया, शादी करवाने के लिए मेरे पापा को टॉर्चर किया। यहाँ ऐसा होता है तुम यही सोच रहे हो ना, उसका मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैसे दिए और बाहर की कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। 8 महीने हो गए, अब तक तो मैं किसी की नजर में नहीं पड़ी। अब कोई फिक्र नहीं, बताना। पे कर दिया? आज मेरी ट्रीट है। तुम्हारी ट्रीट क्यों? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, पर अब डरने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? जॉब मिल गई है मुझे, मालदीव्स में, W होटल में। हे कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। तो पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देने के लिए। अच्छी खबर है, कब ज्वाइन करना है? इन 2 वीक्स। 2 वीक्स, इतनी जल्दी? वीजा प्रोसेस होने का इंतजार कर रही हूँ। तू मुझे फोन करी यार। ओके यार। बात मत करो, जाओ, चली जाओ। मैंने तुम्हें सिग्नल पर देखा, मैंने ही तुम्हें पसंद किया, मैंने ही तुम्हारा नंबर लिया। हाँ। कुछ मत बोलो, बात मत करो, जाओ। भाई ज्यादा सिंटी मत मार, मैं संभालता हूँ। क्या बोल रहा है तू? श्रेया कहीं मत जा। ए? कुछ मत बोलो, यहाँ कुछ ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला तो? नहीं मिला तो नहीं मिला, अपना रेस्टोरेंट डालेंगे। वैसे भी मेरा ये प्लान था, फिक्स कर लेते हैं, यही करते हैं। सो माई प्लान इज एक सिंपल सा रेस्टोरेंट और एक ब्यूटी स्पा। पर हमसे ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, तुम दोनों के टैलेंट पे हमें पूरा भरोसा है। रही बात फंड्स की, वो हम अरेंज करेंगे, एक साथ एक जगह रहेंगे आखिर तक। ये सब दूर होना, बिछड़ना, सेंटिमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वैसे ही हमारी बहुत हेल्प की है और अब जो बोल रहे वो उससे भी बढ़कर है। क्या सच में ये हो पाएगा? प्रॉमिस।
भाई आना, ओके आना। अरे यार वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है मुझे क्या पता। सॉरी। ठीक है, हैप्पी सॉन्ग। कौन सा गाना है यार? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप ग्लास में एक्सप्लोसिव नहीं था। इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन भी नजर नहीं आ रहा है सर। ये 100% पार्ट्स बदलने की वजह से हुआ है सर। ये सिर्फ मजाक में किया हुआ काम नहीं है। इट्स प्रोडक्ट टैम्परिंग, इट्स अ वेल प्लान्ड क्राइम। अगर 30 सेकंड पहले लैपटॉप ब्लास्ट होता तो थैंक्स, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो किसी न किसी घर में जरूर कुछ होगा। अनजान एड्रेस देकर उसने ऑर्डर किया है। उसे पता है वहां कोई नहीं है। जो कॉन्टेक्ट नंबर उसने दिया वो फेक प्रूफ से। वो प्रूफ उसे कैसे मिला? सब कुछ अच्छी तरह प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। यह सिर्फ एक लैपटॉप का मामला नहीं लगता है, इट्स अ स्कैम। कैसे सर? एक आदमी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता है, पार्ट्स बदलता है और बड़ी आसानी से वो वापस करके चला जाता है और हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर। इंडिया में एक साल का ऑनलाइन वर्थ कितना है तुम्हें पता है? 2 लाख करोड़। इसमें 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इस 10 करोड़ में एक है और वो डेली नहीं करता है, किसी एक दिन। ऑर्डर, डिलीवरी, रिटर्न, उसके लिए सिर्फ 1 वीक जोन है, पक्का सेफ। इनफैक्ट बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के स्कैम चल रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं। फिर हमसे पकड़ेंगे कैसे सर? साइबर सेल को बताकर मेजर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को एक सर्कुलर भेजने को बोलो। ओके सर। शहर के अंदर कैश ऑन डिलीवरी मोड पर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्डर करके उसे तुरंत रिटर्न करने वाले कस्टमर का आईडी डिटेल सब निकालने के लिए बोलो। ऐसा करेंगे तो पकड़ने का चांस है। अभी तक की हुई गलती से हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन आगे जब वो गलती करेगा हम उसे पकड़ सकते हैं। हैप्पी? वेरी हैप्पी यार, आई लव यू। मेरा आइडिया तो पसंद आया ना? अरे मस्त आइडिया है, बस काम कर गया तो मजा आएगा। क्यों नहीं होगा? होगा ना? उसके लिए बहुत पैसे चाहिए यार। अपने पास तो कुछ सेविंग भी नहीं है, जो पैसे थे खा पी के एंजॉय कर लिया। सो व्हाट, पैसा अभी जमा करते हैं। इतने दिन से ये कर रहे थे कभी नहीं सोचा फंसेंगे, लेकिन अभी ये प्यार, फ्यूचर, शादी, डर लग रहा है अगर फंस गए तो। हम कैसे नहीं फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। वो कहावत है ना, बहुत दिन का चोर एक दिन फंसता है। इट्स ट्रू, बहुत दिनों तक एक जैसी चोरी करने वाला फंसता है, लेकिन अलग अलग तरीके से चोरी करने वाला नहीं फंसता। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? देख भाई, कार के रिमोट लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए कार में एक सेंसर होता है और रिमोट में फ्रीक्वेंसी। रिमोट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को कार का सेंसर कैच करता है। अलग अलग कार्स के लिए अलग अलग सेंसर्स और फ्रीक्वेंसीज हैं। इससे हम क्या करेंगे? कार के सेंसर जैसा डिवाइस हमारे पास होगा तो हम भी फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं। कैसे? कुछ स्टेप पीछे जा। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 10। ओके। रोल जैम डिवाइस, अब अनलॉक कर। अपने कार के रिमोट फ्रीक्वेंसी डिवाइस के साथ सिंक हो गई है। इससे हम किसी भी कार को अनलॉक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स। हाँ? यार ये तो कमाल हो गया। अब से हम कार चोरी करेंगे? हाँ चोरी करेंगे। हाँ फिर आधे घंटे बाद पकड़े जाएंगे। तो फिर कार के अंदर जो महंगी चीजें हैं उनको चुराना है। कमाल है यार। अब से सारी गाड़ियों को बटन दबा दबा के ओपन करेंगे। ये प्रोजेक्ट ठीक से करा दे भगवान, पहला फंसने वाला लकी बकरा कौन है? यार इसकी बैटरी तो ठीक है ना? ओके। ए, कोई तो बकरा फंस गया। अरे वाह, पहली बोनी बीएमडब्ल्यू से, मजा आ गया। पचास लाख की गाड़ी के अंदर 5 लाख का माल तो होगा ही होगा। उसे फॉलो करते हैं। तू रेडी है?
से ट्राई करते हैं। नहीं, ये एंगल अच्छा रहेगा। हे, नया है ना? यहाँ से अच्छा लगेगा। ऑफिशियल कॉल। हेलो। हाय अर्जुन। Saw your ad for the laptop. Okay. Actually, I'd like to buy it, but the price is too high. Sorry, but absolutely no negotiation. It's a brand new laptop. Next week I'm getting a Mac, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। पर इससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो हम कहाँ मिल सकते हैं? आपकी लोकेशन क्या है? अपना नंबर दीजिए, कभी कभार आकर इसे देख लिया करूंगा। जैसा बोला, हमने सभी स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। हमने उन्हें बता दिया कि ये एक फ्रॉड केस है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सर। मुझे पहले से ही पता था कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, नाम खराब हो जाएगा ना। उन लोगों के कोऑपरेशन के बगैर हम उन्हें पकड़ नहीं सकते सर, हमें कोई क्लू भी नहीं मिला सर। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बस इंतजार करो। हाँ बोलो। पर्सनल वीडियो है यार, बस मस्ती मजाक के लिए वीडियो निकाला था। उस लैपटॉप में सब कुछ है। सूरज जब घर से बाहर निकला था तो ये लैपटॉप गाड़ी में रखा था। मुझे याद है जब वापस आकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? एक क्लाइंट से मिलने के लिए मैं उसके घर गया था, तो गाड़ी मैंने यहीं पार्क की थी। कौन सा एरिया? गांधीवली। कहाँ पार्क किया था? रोड पर खड़ी थी, 20 मिनट खड़ी रही होगी। लॉक किया था ना गाड़ी को? हाँ बिल्कुल। श्योर? 100%। यहाँ दो संभावनाएं हैं। एक जो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, वो लैपटॉप लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। क्या तुम्हें किसी ने फोन किया या कोई धमकी दी? एज येट नथिंग। मुझे तो ये देखने से बस एक आम चोरी लग रही है और कुछ नहीं। डोंट वरी, मिल जाएगा। चोरी किए गए लैपटॉप को बेचने के लिए चेन्नई में 2-3 जगह हैं। उन सभी जगहों पर जाकर चेक करो, चोरी होने के 2-3 दिन बाद ही बाजार में आ जाता है। चलो देखते हैं। सभी जगह चेक करो, OLX, क्विकर से लेकर कार्बी तक हर जगह चेक करो। कुछ भी मत छोड़ना। आज जितने भी एड पोस्ट हुए हैं उन सबको फिल्टर करो। हे प्रताप, ये मेरा ही लैपटॉप है। पक्का ये तुम्हारा है? हाँ, वो देखो लोगों के पास डैमेज भी है। ओके, एक काम करो। हाँ। 4:30 को उसने पोस्ट किया है। हाँ। उस नंबर पर कॉल करो। ओके, कॉल दैट नंबर। कैजुअल बात करना, उसे शक नहीं होना चाहिए। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। आपका एड OLX पर देखा। सोनी वायो ना? हाँ, सोनी लैपटॉप। हाँ बोलिए ना सर। प्राइस वही फाइनल है क्या? सॉरी सर, नो नेगोशिएशन। नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कंडीशन में ही है ना? सर प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू है सर, आई कैन अश्योर यू। ओके, खरीदना हो तो कहाँ मिलना होगा? कल सुबह रॉकस्टोन रेस्टोरेंट। हेलो सर, आप पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया हूँ सर। 5 मिनट सर, ट्रैफिक। नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार कर रहा हूँ। श्योर सर। बाय द वे, मैं ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट में हूँ, और आप? ग्रीन टी शर्ट ब्लू जीन्स। सर मैं पहुँच कर कॉल करता हूँ। ओके थैंक्स। वो 5 मिनट में पहुँच रहा है, ब्लू जीन्स और ग्रीन टी शर्ट। उसके आने के बाद उससे कैजुअली रिसीव करो, उससे बातें करते रहना, लैपटॉप चेक करते रहना।
अगर कंफर्म वही है तो मुझे सिग्नल देना एंड वी विल टेक केयर. ओके आई विल हैंडल इट. बाय मामू एवरीवेयर. निकल ले वहां से. एक्सक्यूज मी. मेरा बैग. चोर पकड़ो उसे. कामरे रुक जा. उस तरफ गया है वो. रुक कहां जा रहा है. रुक. भाई बच गए. थोड़ी भी गड़बड़ होती तो फंस जाते. वहां जाते ही अंदर एक पुलिस बाहर एक पुलिस. कोई मामूली हवलदार भी नहीं. एसीपी डीसीपी जैसा लग रहा था. उसने तेरे टी शर्ट का कलर भी सही बताया. बहुत बड़ा प्लान करके आसानी से फंसने वाले थे. अगर फंस जाते तो वाट लग जाती. अच्छा सुन फोन स्विच ऑफ कर दिया ना. हे रिलैक्स मीरा. उस बैग में कितने रुपए थे. 3000. बिल भरने के लिए एटीएम से निकाल कर आ रही थी. कुछ और वैल्यूएबल्स थे. और कुछ नहीं. अच्छा हुआ कि मोबाइल इसके हाथ में ही था. इट्स ओके. अब रो मत मीरा. 3000 ही है ना. तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ. वही जरूरी है. 3000 ही. वो 3000 कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है. इतने लोगों का मसाज करते करते हाथों में दर्द हो जाता है और तुम कह रहे हो कि बस 3000 थे. ठीक है तो अब क्या करना चाहिए. पुलिस के पास जाते हैं. कंप्लेन कर लें. मीरा कम ऑन. मीरा पुलिस के पास जाने से क्या होगा. तो कहाँ जाना चाहिए. कहाँ से मिलेंगे मेरे पैसे. कुछ नहीं कर सकते. आज के बाद हमें केयरफुल रहना होगा. कुछ नहीं कर सकते. ईमानदारी से कमाए हुए पैसे थे वो मेरे. रोड पर बैठकर उन पैसों के लिए रो रही हूँ. पर वो आदमी कितनी आसानी से ले गया और अब कहीं मुस्कुरा रहा होगा. मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकती. ऐसे लोग गलत काम करके जी कैसे सकते हैं. डोंट वरी मीरा. अभी भले ही वो पैसे लेकर भाग गया हो पर एक न एक दिन देख लेना वो जरूर फंसेगा. गलती करने वाले ज्यादा दिन तक बच के नहीं रह सकते. सॉरी उसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया. मुझे ही केयरफुल रहना चाहिए था. अच्छा मैं चलती हूँ. बाद में कॉल करती हूँ. ओके. फोन पर बात करने वाला नॉर्मली बात कर रहा था. पता नहीं कैसे समझ गया. वो नंबर स्विच ऑफ है सर. ऑनलाइन जो एड पोस्ट किया है उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने से पता चला कि वो यमुनानगर रेलवे स्टेशन का वाईफाई है सर. वॉइस कॉल की फ्रीक्वेंसी किस टावर से कनेक्टेड है. मैक्सिमम असर्टेड लोकेशन है सर. उस एरिया के आसपास में जो टावर है उसका फ्रीक्वेंटली यूज किया है सर. इन एनएस टाइप करने को बोलो. वॉइस के मुताबिक वो 30 साल से कम का ही होगा. कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो पढ़ा लिखा ही होगा. माइट बी डिसेंट एंड वेल ड्रेस्ड. इन्हें इनपुट्स दे दो. देन आई विल सी. ओके अरे नहीं नहीं नहीं. वर्स्ट 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 आइडिया है ये. आज हम पकड़े जाते तो कल सुबह पेपर में आ जाता. और वो मीरा अरे बाप रे वो चोर चोर बोल रही थी. मुझे लगा हमें बोल रही है. यार दिमाग खराब हो गया था. यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है. जब मैं सोचता हूँ ना बहुत गुस्सा आता है. हमने किसी का क्या बिगाड़ा है. धीरे धीरे सब गलत हो रहा है. इट्स अ बैड साइन. कुछ नया प्लान कर रहे हो. इतनी वार्निंग के बाद एक और प्लान करेंगे तो जरूर फंसेंगे. इट्स टाइम टू क्विट. सब कुछ छोड़ देते हैं. रेस्टोरेंट वाला प्लान बेस्ट है. नई लाइफ स्टार्ट करते हैं. लेकिन यहाँ नहीं. यहाँ से कहीं दूर. उसके लिए हमारे पास पैसा भी है. तू क्या बोलता है. कहाँ जाना है और कब जाना है. 2 दिन में. ऐसे अचानक क्यों. उस दिन कहा तो था. कहाँ जा रहे हैं. गोवा. वाओ नाइस आइडिया. रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है. बीच बियर पार्टी पूरा शहर कलरफुल है. वहाँ जाने के बारे में सोचते ही रंगीन लग रहा है. गोवा जाएंगे. चिल करेंगे. बिजनेस करेंगे. शादी करेंगे. भाई एक बात सुनो. गोवा में मंदिर का तो पता नहीं पर मैं तो चर्च में भी शादी कर लूंगा. ओ
ओके है, लेकिन दो दिन वेट नहीं कर सकती, कल ही चलते हैं। मेरी जान को जल्दी है, मुझे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, वो करके निकलते हैं। यार झोल झाल करके 40 लाख रुपए आ गए हैं, मुझे लगता है ये काफी है। इतने दिन जिंदगी में पार्टी कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी ही जिंदगी हो जाएगी। यार बागा बेस्ट प्लेस है, हम तो वहीं पर रहेंगे और वहां पर पार्टी भी मस्त होती है। यार तुझे एक बात पता है, अगर यहाँ दारू पीते हैं तो लोग गिरा हुआ समझते हैं, और वहाँ दारू नहीं पीते तो गिरा हुआ समझते हैं। क्या मस्त जिंदगी है पता है। देख भाई, मैंने सिर्फ उसके लिए गोवा सिलेक्ट नहीं किया, किसी और के गांव में जाएंगे तो एक महीने में हमारे बारे में पता चल जाएगा, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लोग सवाल करने लगेंगे। पर वहां ऐसा नहीं है, फुल फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कोई भी कितने भी दिन आकर रह सकता है, कोई ध्यान नहीं देता। आखिरकार हम सुधर गए। हमने गलती किया क्या जो सुधरेंगे? बस थोड़े से बदल गए, यानी हम मेहनत करके कमाएंगे। राइट। पसीना आएगा यार, पोछ लेंगे। ओके ओके, सो नो मोर शॉर्टकट्स, न्यू लाइफ न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, नई जिंदगी जिएंगे। अब हम एकदम खास घटना देखने वाले हैं। यार हमने लक्ष्मी बेच दी। ये मेरी सेविंग्स हैं, और बाइक को बेचकर जो पैसा है वो भी इसमें है। मैंने पता कर लिया सर, वो दोनों यहीं रहते थे, 3 दिन पहले घर छोड़कर चले गए। ओनर का एड्रेस ले लिया है सर, तिलक नगर। 1 साल से यहाँ रहते थे सर, अभी तक उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है सर। जब मैंने घर किराए पर दिया था तो वो घर का किराया टाइम पर ट्रांसफर कर दिया करते थे सर। अकाउंट के डिटेल्स दे सकते हो क्या? में एक सुपर प्रॉपर्टी देखी है, बीच साइड है, अपने टाइप की है। इस वीक में एडवांस देना होगा, 1 महीने में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओह वाह, बढ़िया। लेकिन उससे पहले महालक्ष्मी मंदिर में हम शादी करेंगे। श्रेय ओके है ना? ओके बेबी। साइबर सेल से विनीत सर का फोन आया था, जिस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ था उसमें नया सिम एक्टिव हुआ है सर, गोवा का नंबर सर, करंट लोकेशन आरंभ। गोवा? यस सर।
ब्रेक द डोर। सर सारे रूम चेक कर लिए, वो लड़की भाग गई, इस बार भी हम मिस कर गए सर। सर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टॉप सब जगह अलर्ट कर दिया गया सर। सिद्धार्थ राइट? यस सर। कहां से हो? चेन्नई। और तुम्हारा नाम? कैलाश। तुम कहां से हो? ईरोड। ईरोड? ईरोड के पास पचामपालियम सर। क्या नाम बताया? कैलाश। कालीस्वरन मूर्ति सर, समझ नहीं आता इसके लिए कैलाश बोलता हूँ। उस लड़की की फोटो तुम्हारे किसी सोशल मीडिया के अकाउंट में है क्या? यहाँ कितने दिनों से हो? शनिवार को निकल। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? वो पूरा बैग भर के 6 लाख रुपए। 6 लाख? क्या तुम दोनों आईटी प्रोफेशनल हो? मैं ऐप डेवलपर हूँ, ये एनिमेटर है, फ्रीलांस कर रहे थे। कमाए हुए सारे पैसे लेकर दो लड़कियों के साथ तुम लोग यहां गोवा आ गए, प्लान क्या था? प्यार किया था, शादी करके सेटल होने के लिए आए थे। प्यार किया था? तुम्हें पता है उसने कितनों से प्यार किया है? 2 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग कोचिंग में थी, मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिला। उसने एक लड़की से प्यार के चक्कर में पड़कर कई लाख रुपए गंवा दिए, लेकिन उसके पास उस लड़की के बारे में कोई प्रूफ नहीं था। उसने ऑफिशियली कोई कंप्लेंट नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि नाम खराब हो जाएगा। ये सिर्फ उसके साथ हुआ या लगातार हो रहा है, इसके बारे में जब डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की तो पता चला पिछले 2 साल में इस तरह के लगभग 8 केस हुए। सब में अनऑफिशियल रिपोर्टिंग हुई थी क्योंकि सभी को डर था कि उनका नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने लाखों रुपए गंवा दिए। इस क्राइम की गंभीरता जानकर जब मैंने कुछ लोगों से इंक्वायरी की तो मुझे किसी के पास से कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ की बातों से मुझे ये पता चला कि ये दो लड़कियों की टीम है। किस्मत से कुछ लोगों ने जो ज्वेलरी और गिफ्ट दिए थे उनकी फोटो उनके पास थी। मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट करके रख लिए, लेकिन ऑफिशियल कंप्लेंट ना होने की वजह से उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया।
लेकिन फिर भी मैं उस केस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने कोई छोटा सा भी क्लू नहीं छोड़ा था। वो बहुत ही टैलेंटेड क्रिमिनल माइंड की थी, तो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम उस लिस्ट में 9th हो। लेकिन सच में क्या है ये उन्हें ही पता है। वो लड़कियां बहुत ही चालाक हैं, लेकिन कोई कितना भी चालाक क्यों ना कभी फंसता है। जैसे एक दिन वो फंस गया। कितनी मेहनत से चुराया था, पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता है। एक चेन स्नैचिंग के केस में मैंने किसी को अरेस्ट किया था। उसके पास जो चेन था उससे मेरा एविडेंस मैच कर रहा था। hey, तुमने इसे कब चुराया और कहां से चुराया? सर यही बैग है सर, इसमें चेन होगा, मैंने सोचा नहीं था। यहां रखो और इसे खोलो। उस बैग में एक रिचार्ज कूपन मिला, उससे उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया। स्वामीनाथ के नाम पर आईडी रजिस्टर है सर, मेलापुर एरिया का है। उस एड्रेस पर गुरु ने पूछताछ कर ली है सर, लेकिन कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर। कॉल को जब चेक किया गया तो इस नंबर पर काफी बात की गई है सर। ये सिद्धार्थ के नाम पर रजिस्टर है सर, एड्रेस ऊपर लिखा है सर। वो एड्रेस प्रूफ लेकर हम तुम्हारे घर गए, तुम्हारे हाउस ओनर से बात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर तुमने नया सिम खरीदा, उससे हमें तुम्हारा लोकेशन मिला। तुमने मोबाइल नहीं बदला, लेकिन यहां आने से पहले वो दोनों भाग गई। उसे भूलने में भलाई है, क्योंकि वो दोनों प्यार के लायक नहीं है। अभी वो कहीं आराम से बैठकर कैसे चीट करेंगे, किसे चीट करेंगे और कब करेंगे सोच रही होंगी। उनके अंदर सेंटिमेंट्स बिल्कुल नहीं है। ये मेरी सेविंग्स है और बाइक को बेचकर जो पैसा है वो भी इसमें है। दो दिन वेट नहीं कर सकते, कल ही चलते हैं। I'm in love with you, Mia. अच्छा है ना, सोचा था कहानी लंबी चलेगी, तुरंत खत्म हो गई। कल ही उसे हाँ बोल दूंगी, फ्रेंड को मैं देख लूंगी। hey, मुझे लगता है एक मौका है, मैं ट्राई करके देख लूंगी। हमजद सर, ये लोग हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। मेक श्योर दे गिव इन अ कंप्लेन। श्योर सर। कितना गंदा काम किया सर उसने, इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया। वो दर्द तो आपको होगा ना सर, उससे भी ज्यादा दर्द प्यार में धोखा मिले वो होता है। धोखा है दोस्त, धोखा। उसे कैसे माफ कर सकते, उसे नहीं छोड़ना है। सुनो भाई, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। सर कोई कंप्लेंट दो, एक हफ्ते में उसे पकड़कर तुम्हारा पैसा निकाल देंगे। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कौन हो। अभी तक किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की, इसीलिए वो ऐसा काम करते चले जा रहे हैं। वो सब मर्द है ही नहीं। मर्द कौन है? तुम लोगों भाई, तुम लोगों की कंप्लेंट उन्हें रोक सकती है। देते हैं उन लोगों के बारे में कंप्लेंट, देते हैं। हाँ देते हैं। उन लोगों को हम कौन है ये बताते हैं। वो जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ कर अपने पैसे वापस लेंगे। पैसा छोड़, वो कैसे कमाना है मैं जानता हूं। वो चोरी करके गई इसकी फिक्र नहीं, लेकिन हमें धोखा दिया ये चुप रहा है। ऐसा हाल उनका भी होना चाहिए। होगा यार, उनके बारे में हमारे पास क्या क्या एविडेंस है जरा सोच। कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा, जब हाथ लग गया दोनों फंसेंगे। सर लड़के रेडी हो गए, कल वो प्रूफ दे देंगे। सर हम लोग कंप्लेंट नहीं दे रहे हैं सर, जो गया वो सिर्फ पैसा ही था ना। अगर कंप्लेंट की तो फैमिली को पता चल जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा सर। ऑलरेडी हम दोनों बहुत हर्ट हुए हैं, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। प्लीज सर, लेट्स नॉट ड्रैग दिस।
तुम कंप्लेन करोगे तभी हम उन्हें पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम कॉपरेट करते तो हम उन्हें पैसों के साथ पकड़ लेते। अब कुछ दिनों में वो सारे पैसे खत्म कर देंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी मैं यहां तक पहुंच गया। आगे भी उन्हें ट्रेस करने में मुझे परेशानी नहीं होगी। मैं जब उन्हें पकड़ूंगा तब तुम न्यूज में देख लेना। अगर कंप्लेन करने का मन बदले तब इस नंबर पर कॉल करना। थैंक यू सर। टेक केयर। क्या लिखा है समझ रहा है तुझे? पालन की लुक पे भरोसा नहीं करने का कभी। निकल ना यहाँ से। तेरे को छोड़ के चली जाएगी। बोला ना तुझे। सच बोल रहा हूँ मैं। जा 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 यार तूने जितना मीरा से प्यार किया उतना मैंने श्रेया से नहीं किया। जैसे किसी ऑफर में होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, उसी तरह तेरे प्यार की वजह से मुझे श्रेया मिली। विद द फ्लो मुझे भी उससे प्यार हो गया। लेकिन मुझे भी ये शादीवादी रिलेशनशिप से बहुत डर लगता है। मैं भी तुझे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। वो हमेशा मेरे सामने खड़ी रहती है, एकदम अकड़ में, हमेशा सीरियस रहती है। लेकिन आज तक उसने एक बार भी आई लव यू नहीं बोला यार। मैं भी हमेशा लेकिन अब जब वो मेरे सामने नहीं है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार। पता नहीं, शायद प्यार हो गया और दिल टूट गया। सॉरी भाई, ये सब मेरी वजह से हो। प्यार में अंधा हो गया था। शादी करके सेटल होने के प्लान बना के मैंने सब गड़बड़ कर दी। सड़क पे आ गए हम दोनों। रियली सॉरी भाई। स्मेल ही नहीं आ रही, कौन सी दारू पिया है? जा बे पागल।
मुझे घर छोड़े 6 साल हुए होंगे। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, मेरे बाप को कुछ पता नहीं है और उसे तो फिक्र भी नहीं है। इतने दिन मेरा ख्याल किसने रखा? तूने। ये एनिमेशन, गेमिंग, इसके अलावा मुझे क्या पता है? मेरे पास जो कुछ भी है तूने दिया है। अगर तू नहीं होता तो मैं कब का रोड पे आ गया होता, वो देख उसकी तरह पड़ा होता। एक बात मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूँ, ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे लिए लाइफ में तू ही सब कुछ है। तू लेफ्ट बोले तो लेफ्ट जाऊंगा, राइट बोले तो राइट जाऊंगा। तू जहां बोलेगा वहां तेरे पीछे आऊंगा। अभी रोड पर हूं तो भी तेरे साथ हूं। अभी अगर मेरे पास एक मोबाइल होता ना तो सैड गाना बजाकर तुझे सुनाता। लेकिन उन लोगों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, फोन, पर्स, लैपटॉप, मेरा गेमिंग कंसोल, साले सब लेकर चले गए। हे हे, कहां जा रहा है? हे अरे यार, हे सुन तो। काम नहीं कर रहा है क्या? है? कोई एटीएम काम नहीं कर रहा है, अब पैसे कहां से निकालूंगा? मार्केट एक सेक्शन है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, आई एम ऑन इट। ओके, हाँ, ओके, हाँ बोलो अमजद। सर, गोवा पुलिस के एयरपोर्ट से जो फुटेज मांगा गया था ना सर, वो ऑफिशियली ऑर्डर मांग रहे हैं, मैं प्रोसीड करूं क्या सर? जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कंप्लेन हम ही हैंडल करेंगे। यस सर। वो वहां नहीं जाएंगे। अमजद, 5:45 को हम रिसोर्ट गए थे। करेक्ट सर। लड़के बोल रहे थे कि वो 3 बजे तक जाग रहे थे। यस सर। 3 घंटों के गैप में वो लड़कियां वहां से गई होंगी। बाई रोड वो लोग गई हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंच सकती, मुझे पक्का विश्वास है। अमजद, बोलिए सर। गोवा से बाहर निकलते ही नजदीकी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कहां है देखो। ओके सर। वहां से निकला हुआ फर्स्ट एयरक्राफ्ट या फर्स्ट ट्रेन किस मेजर सिटी को कनेक्ट करता है ये देखो। श्योर सर। अगर ये सब पता चल गया तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं, समझ गए? यस सर। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने मेरे प्यार का सहारा लिया। एक बार तो सोचा होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरे। वो लड़की कहीं भी हो उसे ढूंढकर सबक सिखाएंगे भाई। सिखाएंगे, लेकिन वो लोग तो चोर हैं, हमें तो उनका असली नाम भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है कि वो दोनों हम जैसी हैं, बस इतना काफी है, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जो मुझे समझ आया ऐसा बोलना। सिंपल है यार, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते? फर्स्ट थिंग, गोवा से निकलकर कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। हमने जो क्राइम किया उसके बारे में न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट पर कुछ आया है नहीं, ये चेक करते हैं। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती तो हमें लगता है वी आर सेफ, हिम्मत आती है, देन बैक टू बिजनेस। ऐसे ही खुले में नहीं घूम सकते ना, दे नीड एन आइडेंटिटी, अ कवर अप। ऐप डेवलपर, एनिमेटर, ये हमारी प्रोफाइल है ना, उस तरह उनकी क्या है? ब्यूटिशियन, शेफ। करेक्ट। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया होगा। एक काम करते हैं, सारे बड़े शहरों में पब्लिश होने वाले फ्लायर्स, क्लासिफाइड सब कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एड्स। उसमें फ्रीलांस, ब्यूटिशियन, शेफ सर्विस के बारे में कुछ पोस्टेड है या नहीं देखते, पर्टिकुलरली रिसेंटली पोस्टेड एड्स। उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके चेक कर लेंगे। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट इफ यू आर लकी तो हमारी डार्लिंग्स जल्दी पकड़ी जाएंगे।
ठीक है जल्दी आओ। हाँ भाई थैंक यू। हाय हाय ये लो, तुमने जो मांगा था सब है। ए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए इसलिए सोचा मिल लूं। है सुबह से कोई नहीं मिला ना? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं दो लड़कियों के साथ गोवा जाकर सब कुछ खोकर फिर आकर भिखारी बनके तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और सुनो, लैपटॉप में कोई स्टिकर चिपका कर तो नहीं लाई हो ना? हे, ये सब छोड़, कुछ ऑर्डर करना। ये आप क्या बोल रही हैं? उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन तो बहुत मुस्कुराकर बात कर रही थी। मैं तो हर किसी से मुस्कुराकर ही बात पर हमसे तो खड़ूस की तरह बात कर रही हो। देखा इसकी बोलती कैसे बंद की। हाउ टू फाइंड श्रेया। यार मुझे नहीं लगता कोई बात बनने वाली है। और कब तक इसी तरह ढूंढते रहेंगे? वो डीसीपी तक उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है। उन्हें छोड़ कुछ और करने की सोचते हैं यार। धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ओह गॉड। वाह, हाउस कीपिंग का जवाब नहीं। सारे होटल्स में ऐसे डक्स बना के रखते हैं यार। भले ही कमरे को कितना भी बिगाड़ दो, फर्स्ट नाइट की तरह अगले दिन फिर से चकाचक करके रेडी। हाय। हे, पूरे घर को बदल दिया मीरा। वाह, अभी ये घर घर जैसा लग रहा है। इसमें वो एक्सपर्ट है, न ही घर के अंदर कुछ लेकर आती है और न ही घर से कुछ बाहर जाता है। घर में जो कुछ भी है उसे ही रीअरेंज करके घर को सुंदर बना देती है। भाई अब गोवा में हमारी क्या आइडेंटिटी है? अगर हम क्राइम करके दूसरे गांव जाते हैं और वहां उसी स्केल और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो पकड़े जाएंगे ना? मीरा के पास एक स्किल है, वो घर के सामान को इस्तेमाल करके खूबसूरत बनाती है। हाँ, पर वो सब प्रोफेशन में आता है क्या? बाय एनी चांस अगर ऐसा प्रोफेशन हुआ तो मीरा उसी प्रोफेशन में हो सकती है ना? ये देख, ऐसा एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल होम ऑर्गेनाइजर्स, प्रोफेशनल्स हु एडवाइज यू ऑन इनोवेटिव होम ऑर्गेनाइजिंग सॉल्यूशंस। क्या बात है यार, हमारे पास जो क्लासिफाइड्स हैं उनमें इससे रिलेटेड कुछ पोस्टेड है, क्या देखते हैं। यार यहां देख ये वाला। सुपर्ब यार, कौन सी जगह? जस्ट बी कैजुअल। गुड इवनिंग, बोलिए। आई केम अक्रॉस योर एड रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होम्स। ओह या, थैंक्स फॉर कॉलिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड? दिल्ली। सर गोवा बाई रोड जाएंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कुंबड़ी है सर, 3 घंटे का रास्ता है सर। सर वहाँ से सुबह 7 बजे दिल्ली के लिए ट्रेन निकलती है। लोकेशन पर पहुंच गई हूँ, देखती हूँ यहाँ कुछ काम बनता है या नहीं। ठीक है। One, give me one, 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 give me one, 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 one,
मुझे कॉल कर तो। अरे ये तो घूर कर देख रही है, मेरे पैसे से खरीदा है ना, ये भी मेरे पैसे से खरीदा, ये बैग ये भी मेरे पैसे से खरीदा। ए, मैं यहाँ सब कुछ तोड़ रहा हूँ और तुम मुझे खड़े होकर घूर रही है। ये लो पकड़ो, 4 लाख रुपए खर्च हो गए, 10 दिन में दे दूंगी। यही चाहिए था तो तुम्हें क्यों ढूंढते, कोई और है जो तुम्हें ढूंढ रहा है? कौन था यार वो? वो साला डीसीपी प्रताप, अगर उसे बता दिया होता ना तो वो तुम्हें पकड़ता और पैसे हमें खुद ब खुद मिल जाते, लेकिन हम इसके लिए नहीं आए हैं। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों के लिए आए हैं, तुम्हारे प्यार के लिए। अब हम लोग सुपर प्यार करेंगे, 4 लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे सोचा था, तुम दोनों ने धोखा दिया तो उसमें हम क्या करें? और नहीं तो क्या, हमें अपनी तरह समझाए क्या? हम लड़के हैं, ट्रू लव करते हैं, तुम ना बोलो तो छोड़ देंगे क्या? वी मैडली डीपली सिंसियरली लव यू। तो अब उसका क्या करें? प्यार करो। ये काम का नहीं है यार। भाई तू पुलिस को फोन कर, चलो बाकी के पैसे ले आओ। अरे वाह, चेहरा बदल रहा है, डरने लगे ना, कुछ ज्यादा थोड़ी मांगा, हम प्यार करने ही तो कह रहे हैं। इसलिए छोड़कर आ गए। क्यों? हमने झूठ बोला, चीट किया, और इतना कुछ जानने के बाद भी हमसे प्यार करने का दावा कर रहे हो? क्योंकि हम लोग भी वैसे ही हैं। वैसे है मतलब? चोर लोग। तो तुम लोग इंजीनियर्स नहीं हो? एप डेवलपर्स, एनिमेशन आर्टिस्ट? इंजीनियर्स ही हैं, पर उसे हम कवर अप की तरह इस्तेमाल करते हैं। आजकल इंजीनियरिंग से कौन कमाता है, सो वी चोज अ बेटर ऑप्शन, मोर मनी मोर फन। इसमें सही गलत कुछ नहीं सोचा, इनफैक्ट सोच समझ कर एक ही काम किया है, तुमसे प्यार। प्यार ने सबको छोड़ने पर मजबूर किया, नई जिंदगी शुरू करने की ताकत दी, लेकिन तुम दोनों ने। पहले हमने सोचा कि तुम्हें पुलिस से पकड़वा लें, लेकिन फिर हमें लगा कि तुम तो हमारे लिए परफेक्ट हो, एक चोरों के राजा के लिए एक चोरों की रानी, क्या कॉम्बिनेशन है ना भाई, जरा चोरनी की शक्ल तो देख। हम कौन है तुम नहीं जानती, तुम कौन थी हम नहीं जानते थे, इसीलिए इतना कंफ्यूजन था, पर अब सब क्लियर हो गया, तो अब बोलो। सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, डीसीपी ने कहा था कि वो 1 महीने में तुम दोनों को पकड़ लेगा, और वो ऐसा जरूर कर सकता है। डिसाइड करोगी तो सेफ रहेंगे, अगर डिले करोगी तो रिस्क है। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। क्या करना है मैं बताता हूं, सिंपल, हमें तुमसे मतलब है और हम चारों को पैसों से, वी ऑल लव मनी, सो चारों मिलकर काम करते हैं, अपने स्किल्स इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अमाउंट बड़ा होना चाहिए, 15 दिन का वक्त है। प्रोजेक्ट खत्म होते ही एज वी प्लान कहीं और जाकर सेटल होंगे, लेकिन इस बार इंडिया नहीं, अब्रॉड। ओके भाई, यही सेफ है। इतने वक्त में तुम्हें हमसे प्यार हुआ तो सुपर, नहीं हुआ ओके, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पैसों को इक्वली शेयर करके चले जाएंगे, क्या कहती हो? ए, सोच क्या रही हो? तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हें बेस्ट ऑफर दे रहा है जो कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी से हाँ बोल दे। ओके, तो फैसला हो गया, यही है ना बेडरूम, वो अपना हो गया, डार्लिंग रेडी कर दो। क्या तुम लोग यहीं रहोगे? यहीं थोड़ी रहेंगे, बेडरूम में रहेंगे। ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग कहीं बाहर जाओ। एक ही रूम में रहकर तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, अगर हम बाहर रहेंगे तो तुम दोनों भाग नहीं जाओगी, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार चालाकी मत करना, तुम दोनों की फोटो डिटेल्स मेरे पास है, डीसीपी को व्हाट्सएप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो लेडीज, क्या सोच रही हो, ये अपना घर है, सीधा जाओ और डिनर रेडी करो। सिर्फ 2 लोगों के लिए कितना बड़ा घर है यार, यहाँ बिग बॉस हो सकता है। खाने में गोली डाल देते हैं, खाते ही आधे घंटे में बेहोश हो जाएंगे, फिर हम दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, श्रीलंका के लिए 12 बजे की फ्लाइट है, तुम क्या कहती हो? वेट करते हैं, फिलहाल कोई प्लान नहीं बनाएंगे, सब बिगड़ जाएगा,
इनके पास हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी ये लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, इसलिए अब इन्हें केयरफुली हैंडल करना होगा। ये लोग खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। तुम जैसा प्लान कर रहे हो वैसा हो पाएगा क्या? अब तक जो हुआ वो होगा सोचा था क्या? नहीं ना, ये भी हो जाएगा। कुछ भी करेंगे पर सेटल होंगे। We shall all work together. That's all. हम दोनों टेक्निकल चोर हैं और तुम दोनों किसी को भी फंसा सकती हो। अगर साथ मिलकर काम करें तो कम वक्त में बड़ी अमाउंट मार सकते हैं। ये सब इनको क्या बता रहा है, ये लोग तो रेडी रहते हैं। दिल्ली आते ही तुम दोनों ने फील्ड वर्क शुरू कर दिया होगा। एनीथिंग यूजफुल? ये है मलिक, एज 42, डायमंड मर्चेंट है। गोल्फ कोर्स में मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। अगर प्लान बनाएंगे तो कम से कम इससे 15 लाख तो निकल ही जाएंगे, बस 20 दिन लगेंगे। यह है गौरव, फिल्म फाइनेंसर का बेटा, डांस क्लास में मिला था। 10 दिन में कम से कम 10 लाख तो निकल ही जाएंगे। यह मुझे जिम में मिला था, नाम सनी है। ये किसी मिनिस्टर का बेटा है। 15 दिनों में वी कैन लूट 5 to 10 lakhs। सूरज मेहता, बिजनेसमैन, मेडिटेशन क्लास में मिला था। इसे मुझ पर क्रश था, इससे तो काफी लूट सकते हैं। दिल्ली आने के बाद जो स्टडी की उसमें ये 4 लोग लिस्ट में हैं। वी हैव अ फ्यू मोर ऑप्शंस, पर प्रॉपरली ट्रैक करना है तो वी नीड एटलीस्ट अ मंथ। उतना वक्त नहीं है। इन चारों में से सबसे इजी टारगेट है सूरज, बिकॉज ही इज मैरिड। सोसाइटी में इसका अच्छा नाम है, तो लुट भी जाएगा और पुलिस को भी नहीं बताएगा। प्लस ही इज एज्ड, तो इजिली फंसा सकते हैं। ऑल्सो ही इज हार्मलेस, इसके साथ खेलने में हमें कोई खतरा नहीं होगा। सेफ प्ले, अच्छा अमाउंट निकल सकता है। डेंजर लेवल 0, एस्टिमेटेड टाइम 10 to 15 days। क्या बात है, इसी तरह पिछली लिस्ट में हमारा भी नाम होगा। That's it, I'm done. वो 3000 कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की पता है? मैंने वो पैसे ईमानदारी से कमाए थे और तुम बोल रहे हो कि बस 3000। चेन्नई में मीरा, यहाँ पर रिशिता, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, कौन हो तुम लोग? नाम बताओ, नाम नाम नाम। मधुमिता। मधुमिता। वर्षा। हर वर्ष नाम बदलती हो क्या है? इनका रूम चेक करके मैंने इनका आधार कार्ड निकाल लिया, इनका यही असली नाम है। देखो कैसे डर गए। एक और जरूरी सवाल करना था, ये काम करते करते तुम लोग किस हद तक जाती हो? कहना क्या चाहते हो? अपने विक्टिम के साथ तुम लोग कितना क्लोज रहोगी? डिस्टेंस बेबी, डिस्टेंस। तुम लोग के साथ हम लोग कितना क्लोज हुए? गार्डन, सत्यम थिएटर, आइसक्रीम पार्लर, डीजे। सॉरी, अपने बारे में सोचता हूँ तो घिन आती है। अब इसमें घिन आने वाली क्या बात है? कुछ नहीं, इतने दिन साथ रहकर कुछ नहीं किया, ये सोचकर अपने ऊपर घिन आ रही है। शह, तमाशा बनकर जी लिया। अच्छा बनकर जीने गए तो बेवकूफ बन गए। अब तू कहाँ जा रहा है? लगता है रात के लिए कुछ प्लान कर रहा है। सूरज, ओ काम, अगर ये हमारा मार्क है तो आज के बाद कंप्लीट सर्विलेंस में रहेगा। तुम अपना यूजुअल गेम खेलोगी तो इससे कुछ लाख रुपए ही मिलेंगे, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना है। सब कुछ एनालाइज करके प्रॉपर प्लान बनाना है, पर जल्दी करना होगा। BCP के यहाँ आने से पहले चोरी करके यहाँ से निकलना है। सो गाइस, शैल वी स्टार्ट? कोई बात नहीं, गेट इन माय कार। दैट्स ओके। कोई बात नहीं, जस्ट कम। ओके। नाइस कार। थैंक यू। आज तक जो भी किया और अब जो करने वाले हैं उसमें बहुत फर्क है। परफेक्टली करेंगे तो फंसेंगे नहीं। मुझे सूरज के घर के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, समझ गया? अगला मिशन वही है। हे भगवान, बहुत बड़ा घर है।
साउथ दिल्ली में एक आलिशान बंगला। यहाँ टेम्परेचर मेन सिटी से 4 डिग्री कम होता है। पॉश एरिया है। यहाँ पर VVIPs रहते हैं। सूरज का घर 10 एकड़ का होगा। इट्स अ हाईली सिक्योर्ड हाउस। घर के अंदर डाका डालना मिशन इम्पॉसिबल। अगर वो खुद बाहर लाए तो ट्राई कर सकते हैं। सो टोटली टफ जॉब। ओके थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। मेरा नंबर ले लो। ओके इट्स 9885111111। ओके टेक्स्ट मी। ओके ओके आई विल सी यू। ऑलराइट बाय। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। रोज का यही टाइम है। नंबर ले लिया है। मुझे लगता है आज मैसेज करेगा। मैं 2 दिन में इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी। यू नो व्हाट, ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत सुंदर सी लड़की है, मीरा। जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने उसे पहचान लिया। ये सब छिप छिपा कर ऐसी लाइफ क्यों? या ये सब करना पसंद है? या मुझे ये सब पसंद है। और इसमें गलत क्या है? मेरी लाइफ की जर्नी ही ऐसी है। मैंने जो फेस किया है वो तुम्हें बताऊंगी तब भी नहीं समझोगे। घर छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने जब बाहर निकली तो बहुत से लोग मिले जो गलत थे, कपटी थे। लोगों को शायद लगे कि मैं गलत हूं, और ये सच है कि सर्वाइव करने के लिए मैंने ये गलत रास्ता चुना। जब किसी को चीट करती हूँ तो पता है कैसा फील करती हूँ? बहुत अच्छा लगता है। गिल्टी तो नहीं। अब सूरज को ही देख लो, उसकी शादी हो गई है ना, घर पर बीवी भी है, फिर क्यों पड़ा है मेरे पीछे? वो गलत नहीं, इसलिए उसे लूट रही हूँ। यही उसके लिए बेस्ट पनिशमेंट होगी। हम लोग कल शॉपिंग करने जाते हैं और तुम्हारे लिए एक पैंट लेते हैं। नहीं चाहिए क्या? दिल्ली में ठंड लगेगी। तो क्या बोल रहा है सूरज मेहता? कुछ खास नहीं, उसे टेक्स्ट करो, देखते हैं कुछ लीड मिलता है क्या। अरे यार, ये लोग तो पर्सनल चैट कर रहे हैं। वक्त निकलता जा रहा है मीरा, पर अब तक कोई काम की जानकारी हाथ नहीं आई। कहां कहां डील करता है, उसके पास कितना पैसा है, कहां रखता है, ये सब पता लगाना है। उसकी हर चाल पर नजर रखनी है। ये रिकॉर्डर रखो, इसे हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहन सकती है। जब उसके साथ रहोगी तो इसे फुल टाइम ऑन रखना। वो जो बात करता है वो हर बात हमें सुननी है। सिर्फ तुमसे जो बात करता है वही नहीं, सब कुछ, इंक्लूडिंग फोन कॉल्स। उस दिन तुम रेस्टोरेंट में मालदीव्स जाने की बात कर रही थी, वो सब सच था क्या? चीजे, सब झूठ है। क्यों बोला ऐसा फिर? झूठ बोला तभी तो गोवा के लिए प्लान बनाया ना, नहीं तो प्यार करता हूँ बोल बोल के मुझे बोर कर रहे थे और फिर हम लोग पैसे कैसे लूटते। क्या बात है। अच्छा तो तुम्हारे पिताजी, गैम्बलिंग, शादी, ये सब?
ए पागल, वो सब कहानी थी। मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं और मधु सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऑर्फनेज में हम दोनों मिले थे। क्या हुआ, इमोशनल हो रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां ऑर्फनेज में रहती हैं, ये पता चलता तो मैं बचपन में ही घर से भाग जाता। चांस मिस कर दिया। चलो जो कुछ भी हुआ, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? नो। ठीक है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो किया होगा। नो। इतना सा? नो। इतना सा भी मिस नहीं किया? इसे कैसे पटाऊं समझ नहीं आ रहा है। क्या कहा? नहीं नहीं, दो दिन से सूरज की वाइफ को फॉलो कर रहे हैं, उसे कैसे पटाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। वो मैंने प्लान कर लिया है। Like the chocolate? Yeah. It's white chocolate, you know. Like really special. All the way from Switzerland. Oh. Just for you. Sir. Hello. Hermine Jacktoff, sir. His brother indeed is. Was him tearful as this. So has him been in Toxas. In Dizer October. Or the Ziz in Dodo. Maybe same thing, Dokti. ये कौन सी भाषा है रे? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? वो आया, मोबाइल दिया, इसने बात की, फिर वो चला गया। उसने कुछ बताया क्या? बिजनेस कॉल है कहा। पहले वो कौन से लैंग्वेज में है ये पता करो, उसने क्या बातें की ये पता चल जाएगा। अल्बेनिया। क्या बात की वो भी पता चल जाएगा। ओके। यस। एक बिजनेस डील के लिए उसने 1 करोड़ कैश अपने घर पर रखा है। आने वाली 4 तारीख को ट्रांजैक्शन करेगा। हमारे पास तब तक का वक्त है। उसके बाद पैसा घर से चला जाएगा। कुछ करना होगा। मतलब 3 ही दिन रह गए हैं। उसके कंपाउंड में क्या है ये पता नहीं, उसके घर की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। फोन देना मीरा। मधु, सूरज जब तुम्हें ड्रॉप करे, ये मोबाइल उसके कार में छोड़ देना। मोबाइल में एक स्पाई का नाम, वो सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड करेगा, पर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या किसी को पता नहीं चलेगा। इट्स अ हिडन ऑपरेशन। कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी इंटरप्शन के बिना ऑडियो वीडियो बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होता रहेगा। बिल्कुल कैजुअली उसके कार के डैशबोर्ड पे इसे रख कर आ जाना, फिर यहां से नजर रखेंगे। आई विल सी यू लेटर देन। ओके, बाय। बाय। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर। हेलो। हेलो, कौन?
कौन है? मैंने मेरा फोन कहीं छोड़ दिया। हे रिशिता। सूरज जी, आपका फोन है क्या? मैंने मेरा फोन आपके कार में छोड़ दिया क्या? थैंक गॉड, कल मैं फोन ले लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके सूरज जी, ऑल राइट, सी यू टुमारो, बाय बाय। भाई मधु पर शक करने का यही टाइम मिला। चुभे। हेलो सर। क्या? कांग्रेचुलेशंस सर, आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा दिया। अरे सर, नहीं चाहिए बॉस। सर अगर आप चाहे। वाह। मिस कर दिया, पिन नंबर मिल जाता तो मैटर ओवर। इतना ट्राई किया, सब वेस्ट हो गया। चिल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गए। लॉकर का पिन नंबर तो मिला नहीं। मिल जाएगी। कैमरा ऑफ करो। डार्लिंग, इसमें एक्स्ट्रा शुगर डाला है, एकदम स्वीट है। चुप कर। ऐसा क्या? ओके थैंक यू। ये ले भाई। इस धंधे में हम टॉप 5 पोजीशन पर हैं। यार इस वीडियो रिकॉर्डिंग में सबटाइटल का ऑप्शन नहीं है क्या? साला क्या बोल रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकेन से डील करते हैं। क्या लाइफ है यार इसकी, एकदम बोरिंग। याद रख गधे, इस धंधे में मैं राजा हूँ। लेकर जाओ इसे, बॉडी दफना दो कहीं पर भी। ये क्या यार, इसने तो मर्डर कर दिया। ए, तुम लोग ने ऐसा फील्ड वर्क किया है, बिजनेसमैन बोलकर ये तो गन निकाल के गोली मार रहा है। कौन है ये? ड्रग डीलर। हाँ? ड्रग डीलर? आई स्वेट, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है। हम ड्रग डील का पैसा आपस में बांटने वाले हैं। ये तो क्या बोल रहा है, कितना बड़ा रिस्क है, ऐसे ही हमारा भी मर्डर हो जाएगा। अच्छा ही हुआ जो पता चल गया, अब इसे छोड़ देते हैं। हाँ सही बोला, छोड़ देंगे लेकिन पैसा निकाल कर। भाई गन है इसके पास, मर्डर कर रहा है, इसके घर में चोरी करेंगे क्या? He's right, सेफ्टी बहुत जरूरी है, यही रुक जाते हैं, कहीं और ट्राई कर सकते हैं, या फिर जितने पैसे हैं उसी में काम चलाएंगे। हाँ, हाँ। ना हमारे पास वक्त है, ना फ्रेश स्टार्ट करने के लिए पैसा। सूरज ही मांग है। बहुत रिस्की है यार, पर अमाउंट तो बड़ा है ना। क्या बड़ा है, सिर्फ 1 करोड़ ही तो है, 4 में बटेगा तो 25-25 लाख ही मिलेगा। 1 करोड़ ही है, लेकिन 1 करोड़ USD, 10 मिलियन। कुछ भी हो यार, 1 करोड़ USD, USD का रेट मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपीस 71 करोड़। What? Seriously? उस दिन सूरज का फोन कॉन्वर्सेशन डिकोड करने पर पता चला उसके पास ज्यादा अमाउंट है, तभी बता देता तो शायद तुम लोग पैनिक हो जाते। मुझे शक था ये कोई इलीगल ट्रांजैक्शन है, लेकिन सोचा नहीं था ये एक ड्रग डीलर है। अब पता चल गया है ना, तो छोड़ देते हैं, कितने भी पैसे हो पर जिंदगी से बढ़कर नहीं, बहुत डेंजरस है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अभी हम बहुत सेफ हैं। ये पैसा इलीगल ड्रग डील के लिए रखा गलत पैसा है, ऑफिशियली वो कुछ नहीं कर सकता। प्रॉपरली प्लान करेंगे तो कभी भी कितनी भी बड़ी चोरी कर सकते हैं। अपना प्लान एकदम पक्का है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए, 71 करोड़ आ रहा है, चाहे कुछ भी हो घर में घुस कर मारेंगे, मैं रेडी हूँ। डर तो लग रहा है लेकिन तुम पर यकीन है। सूरज के घर में जाने के लिए उसकी कार चाहिए, कार की को हैक करके कार चुराते हैं। गैराज में एंटर करने के लिए एक शटर है, उसे बाईपास करना होगा। अरे वो मामूली बात है, रात को ही चेक कर लिया, कार और शटर के बीच एक छोटा सा सेंसर है, कार जाकर खड़ी होगी और शटर खुल जाएगा। कमाल कर रहे हो भाई। नेट पे लिखा है यार। सुपर्ब। पर्सनल स्पेस में एंटर करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट चाहिए, और लॉकर ओपन करने के लिए सीक्रेट पिन नंबर। अगर ये दोनों मिल जाए तो पैसा हमारा। लेकिन कैसे?
सूरज के घर पे जो सेफ है ये उसका एग्जैक्ट सेम मॉडल है। वीडियो में साउंड कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, शार्पली सुने तो हर एक की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। लिसन, और ये सिर्फ इसमें ही नहीं, हमारे मोबाइल्स में भी ऐसा ही होता है, डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। सूरज जब लॉकर में की प्रेस कर रहा था तब वीडियो में जो रिकॉर्डिंग हुई उसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये प्रेस की हुई चार कीज का ऑडियो पैटर्न है, हर एक की का एक यूनिक साउंड पैटर्न है। हम इस लॉकर की हर की को प्रेस करेंगे और उसके साउंड को रिकॉर्ड करेंगे, विल गेट 10 डिफरेंट पैटर्न्स। उसके साथ हमारे इन चार पैटर्न्स को मैच करके विल गेट द पिन नंबर 0173। पिन नंबर तो मिल गया, अब पैसे चोरी करके कुछ ही घंटों में शहर छोड़कर जाना है। अगर घर पर रहे तो आसानी से फंस जाएंगे, इसलिए घर छोड़ना होगा। होटल में रहकर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तुम्हारे कहने पर मैंने सूरज के साथ मीटिंग फिक्स कर ली हायत में। सुबह 10 बजे वो मुझे पिक करेगा। लगभग 2 घंटे साथ में रहेंगे। उतना काफी है। वर्षा, तुम्हारा प्लान क्या है? उसकी वाइफ के साथ शॉपिंग पे जाना है। गुड, वो सब तो ठीक है यार, पैसे कैसे निकालेंगे? उसी की कार से। सूरज को होटल में अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। हम डिवाइस की मदद से उसकी कार चुराएंगे, वहां से सीधा सूरज के घर जाएंगे। सूरज की बीवी वर्षा के साथ शॉपिंग में बिजी होगी। सिक्योरिटी गार्ड कार को देखते ही गेट खोल देगा। विंडोज टेंटेड हैं इसलिए अंदर कौन है पता नहीं चलेगा। उस गेट को पार करते ही गैरेज का शटर आएगा। कार के सेंसर से गैरेज डोर खुलेगा। करेक्ट। गैरेज में कार पार्क करने के बाद सूरज के रूम में जाएंगे। उसके लिए फिंगरप्रिंट रेडी है। वहां पे जो लॉकर है पिन नंबर करेक्टली एंटर करेंगे। 0173। कमाल कर रहे हो यार। कैश निकालते ही वहां से निकलते वक्त एक मैसेज करेंगे। तुम जहां हो वहां से भाग जाना। कार को वापस हयात में पार्क करके होटल रूम में वापस आ जाएंगे। पैसों को पैक करेंगे और उड़ जाएंगे। एनी क्वेश्चन? टुमारो इज अ बिग डे, अच्छी तरह आराम कर लो। सही टाइम पर आया है। इसकी टाइमिंग की वजह से ही ना इसकी इस उम्र में भी सेटिंग हो रही है। चल भाई गाड़ी निकाल। राइट ले। अबे बंद कर, तू बस फॉलो कर।
ये क्या, यही तो ये रुका क्यों नहीं भाई? ये होटल की जगह वहां क्यों जा रहा है? इट्स अ सरप्राइज, यू विल लाइक इट, डोंट वरी। अरे ये लोग कहां जा रहे हैं यार? मधु घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। कार दिखाई नहीं दे रही है, कहां चले गए? अरे यार ऐसे घुसाकर निकालना। अरे यार अब हम क्या करेंगे? वेलकम। ये साला मोटा क्या कर रहा है यार, इसे तो मीटू में फंसाना चाहिए था। भाई अब क्या करेंगे? ये पूरा एरिया देखा, कुछ अजीब ही लग रहा है। गेट और घर के बीच आधे किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद घर में घुसकर कौन कहां है पता लगाकर कार को निकालना इम्पॉसिबल है। यार मधु अंदर है यार, ये बहुत रिस्की है। मधु को बोल बाहर आए, हम निकलते हैं यहां से। मधु डोंट वरी, एक घंटा किसी भी तरह संभाल लो, वी आर डूइंग दिस। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ। यार ये गैंगस्टर है यार, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तेरा फोन दे। फोन अभी क्यों चाहिए? फोन निकाल यार। देख कैसे भी मधु को बाहर बुला ले, हम निकलते हैं यार यहाँ से, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। इससे पहले कि एक और मर्डर हो जाए हम चलते हैं यहाँ से। भाई तो गेम खेलेगा? गेम? मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन भी रहा है? सीरियसली पूछ रहा हूँ, गेम खेलेगा? क्या बोल रहा है तू? इसकी कार की हैक की तो समझा, ये दूसरों की तरह नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कार्स इन द वर्ल्ड। इसे ब्रीच करने में 2 दिन लग गए, उतने वक्त में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इस कार की एक ऑटोनोमस कैपेबिलिटी है। ऑटोनोमस क्या? इसके सिर्फ की ही नहीं, पूरी कार हैक हो सकती है। कार हैक कर सकते हैं? इसमें ऑटो पायलट फीचर है, सो इट्स पॉसिबल। भाई कार को वहां जाके चोरी नहीं करना, कार खुद यहां आएगी। ये ले। अब देख तू। We'll be right back.
भगवान आज रक्षा कर दे। भाई शटर उधर है, ये मुंह छुपा कहीं वॉचमैन शक्ल ना देख ले। अरे झुकना, हम कार में, उसे पता नहीं चला। ऐसा क्या? ए यू, लेवल 1 सक्सेसफुल, लेवल 2 खत्म होते ही हाथ में पैसे ही पैसे। ड्रॉ द पैटर्न टू अनलॉक शटर। कार और शटर के बीच एक छोटा सा सेंसर है, कार जाकर खड़ी होगी और शटर खुल जाएगा। कमाल कर रहे हो भाई। यार मैंने नेट पे पढ़ा था, ऐसे ही लिखा था। डोंट वरी, आई कैन फिक्स दिस। आमतौर पर बड़े लोग सब कुछ अपनी बीवी के नाम पर रखते हैं। क्या नाम था उसकी बीवी का? स्मिता। यस, अब देख खुल जाएगा। शिट, अरे यार अब क्या करूं। हाँ, ये बड़े लोग ना किसी पे भरोसा नहीं करते, इसने अपना ही नाम रखा रहेगा, सूरज। ऐसे क्या कर रहा है साला चीटर, ना खुद पे भरोसा है ना बीवी पे। हाँ, बड़े आदमी ना सब कुछ अपनी आइटम के नाम पे रखते हैं। क्या नाम है? मधु। hey, रुक जा। अरे हो जाएगा यार, लेट मी थिंक। एक रास्ता है। हाँ ट्राई करते हैं, इफ यू आर लकी वर्कआउट हो जाएगा। सब कुछ तेरे हाथ में यार, कुछ कर। मधु बोलो, मुझे सूरज के फोन अनलॉक करने का पैटर्न चाहिए। डिड यू से समथिंग? No, this is amazing. I got this from Indonesia. Oh. It cost me 7 crores. इसे यहाँ लाने में एक महीना लगा। Excellent piece. You can do this, Madhu. Please try. Come on. Selfie? Selfie? Yeah. Sure. इसके साथ. Sure. मधु लिसन, अगर वो एक इंग्लिश अल्फाबेट है तो काम आसान है। मुझे बता दो और मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। यार टाइम कम होते जा रहा है। रेडी? अगर पैटर्न बोल के नहीं बता सकती तो उसका भी एक रास्ता है। पैटर्न में जो डॉट्स हैं उन्हें मोबाइल के डायल पैड के साथ मैच करो। फर्स्ट डॉट नंबर 1, सेकंड डॉट नंबर 2, इस तरह। कैसा है? मैं खींचूं? हाँ बिल्कुल। हाँ। ओ लॉक हो गया। एट फाइव वन नाइन सिक्स टू फोर सेवन एंड थ्री लाइक दैट। यस हो गया। सुपर्ब मधु, यू किल्ड इट। मजा आ गया। 30 मिनट्स, वी'ल बी आउट। लेट्स गो।
फ्रिज है यहाँ। ओ फ्रिज है क्या? 0173। यस भाई रेडी? ओके। कमाने में मेहनत लगती है, यहाँ तो चोरी करने में लग रही है। मेहनत से पसीना आ रहा है भाई। ये भी अपना ही पैसा है, ले लेना। रहने दे, ये इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। अरे छोड़ यार, टोल भरने काम आएगा। डन, वहां से निकलो। या एक्सक्यूज मी, कॉल दिस। मधु सक्सेस, बस 15 मिनट और संभाल लो, विल बी देयर। रिशिता, आर यू ओके? बाय केयरफुल। रिशिता रिशिता वेकअप वेकअप रिशिता वेकअप। हे बहादुर, कहां मर गया? मधु, आर यू ओके? सूरज का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हाँ। भाई इसके लिए टाइम नहीं है यार, चोरी के पैसे लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह नहीं, दूसरे देश जाना है। इतने पैसे लेकर हम अब्रॉड कैसे जाएंगे? एयरपोर्ट पर पकड़े जा सकते हैं। उसका भी प्लान तैयार है। रेडी होकर चेकआउट करो। Ready?
थाईलैंड जा रहे हैं बाय रोड। थाईलैंड? सीधा मणिपुर, वहां से बर्मा होके सीधा थाईलैंड। बहुत मजा आने वाला है। ओके रेडी? क्या हुआ? अरे यार इतना ट्रैफिक क्यों है? ना, 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 ना। अरे ये तो वो डीसीपी है भाई, डीसीपी प्रताप। अब क्या करेंगे यार? करेंगे वो यहां आकर चेकिंग क्यों कर रहा है यार? ओके, यहां से 30-40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद है। क्लियर? डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। मैं भी हूं भाई, चलते हैं। जल्दी आ जाऊं। चल भाई, चल भाई। थैंक यू भगवान। संभल कर जाना। जाता हूं, जाकर आता भाई। बहुत बहुत कम हो गया भाई। गर्ल्स केयरफुल। बाय बेबी। Hey, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप यहाँ उन लोगों को पकड़ने के लिए आए ना? यार मैंने बोला था ना सर उन्हें पकड़ लेंगे। सुपर्ब सर, आप तो कमाल है सर। कैसे भी करके आपने कार नंबर तो नोट किया होगा। चलिए निकालिए, पकड़ते हैं उनको। उन्हें ये गली भी पार करने नहीं देंगे। सर क्या? सर वो दोनों लड़कियाँ अभी एक कार में बैठ के गई, आपने देखा नहीं? वो सफेद कलर की कार सर। वो लड़कियाँ? हाँ सर अभी गई हैं। ओह शिट। सर वो देखिए वहां पर। तुम्हें कैसे पता वो वहां पर है? सर कहां गई? कार मिस हो गई। मिस कैसे होगी सर? कहां गई दिखाई नहीं दे रहा। सर वो रही सर। हाँ सर वो सर सर राइट 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 सर। सर क्या बात सर, वाओ सर। कंफर्म निकल जाएंगे सर, वो लोग हाथ से निकल जाएंगे क्या? DL1CW3554 व्हाइट इनोवा करेक्ट? वाह सर, आप तो जीनियस है। कमाल किया सर, सर लेवल ही अलग है। मजा आ गया। मैंने सिर्फ कलर बताया था, इन्होंने नंबर भी पकड़ लिया। सच में क्या बात है सर। सर यहीं पे यहीं पे। आप ग्रेट हो सर। मुझे लगता है भागने का इरादा है उनका, उससे पहले ही पकड़ लेंगे। चलिए सर आज छोड़ेंगे नहीं इनको। वो फोर है सर। हाँ सर जल्दी चलिए सर। गेट नंबर फोर सर। सर वेट। ए भाई वही है ना? हाँ लड़की तो वही है सर। वहाँ व्हाइट टॉप सर। वहाँ देखो सर, वहाँ पे वहाँ देखो ना सर। अरे सर हाथ से निकल जाएंगी। नहीं निकल पाएंगे। चलिए सर चलिए कीजिए, वो चली जाएगी। वो सर 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 Please stop, sir. Listen, I need to check on somebody who's gone there. टिकट दिखाइए। अंदर कोई है जिसे मुझे पकड़ना है। Sir, your ticket, please. I'm a cop. I'm cop from Tamil Nadu. Show me your ID, sir. Shit, I'm not carrying my ID. ID is in the car. Car? चलिए यार, I'm a cop. I need to go and check out somebody. Sir, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सर, क्यों नहीं रहे हो?
वेरी गुड सर, सब छोड़कर के रहिए, पकड़ लीजिए उन्हें सर, उस तरफ जाइए सर, वहाँ गई है वो गेट नंबर 5 की सिक्योरिटी ब्रीच, हम आते हैं, किसी को जल्दी भेजिए। हेलो, कहाँ हो, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके। सिड, जल्दी यहाँ जाओ, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, जहाँ हो वहीं रहो, बस 2 मिनट, पुलिस आती ही होगी। hey, तुम लोग तो बहुत फेमस हो गए, दिल्ली पुलिस, नेशनल मीडिया, कल सुबह पेपर में फोटो। सिड, मजाक मत करो। मधु, खेलने का वक्त खत्म हो गया, गेम ओवर। सिंपल मधु, तुमने प्यार करने का नाटक किया, धोखा दिया, हमें बहुत गुस्सा आया, हमारा ईगो हर्ट हुआ, हमने तुम्हें ढूंढ निकाला और वही झूठ सुनाया जो तुमने सुनाया था। हमसे जो पैसे चोरी किए थे वो इंटरेस्ट के साथ तुम्हारी मदद से फिर चुरा लिए। अब बदला पूरा हुआ। हे हे हे, लड़कियों को तकलीफ होती है मगर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब भगवान साथ छोड़ देता है। भाई भाई, मैं भी डायलॉग मारूंगा। ए मधु, प्यार में हमेशा लड़का ही धोखा खाएगा क्या? इस बार लड़कियों को धोखा खाने दो। क्यों वर्षा डार्लिंग, शांत क्यों हो? वाट लग गई क्या? बकरा बना दिया ना। बहुत एटीट्यूड दिखाती हो ना डार्लिंग, कहाँ चला गया तुम्हारा सारा एटीट्यूड? बोलती बंद हो गई। हमने जितना भी चोरी किया वो सारा का सारा पैसा हमारे पास ही है, लेकिन बाइक में पेट्रोल है या नहीं पता नहीं, इसलिए कुछ प्लान मत करना। ओके मधु, टेक केयर, पुलिस आने का वक्त हो गया, तुम्हारे सारे झूठ में बहुत मिस करूंगा, कल पेपर में तुम्हारा जो फोटो आएगा ना उसे तुम्हारी याद में कट करके रखूंगा। ओके बाय। बाय वर्षा डार्लिंग, तुमने जब गले लगाया ना तो बहुत मजा आया। बाय डार्लिंग। अब क्या करें? We deserve this. बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों भागने का मन नहीं है। ऐसे ही मजाक कर रहे थे भाई, इस बार इन्होंने सच्चा प्यार किया है, आंखों में आंसू आए। इसके पहले तुम लोगों ने जो भी किया तब ऐसा नहीं हुआ ना? हमारे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे बाइक में, तुम्हें अगर इस वक्त भागना है तो पैसे लेकर जा सकती हो। प्यार मिलेगा तो ही पैसे चाहिए, वरना पैसे नहीं चाहिए। हट भाई, हम दोनों कमाल के हैं ना यार, हम जैसे लड़के बस फिल्मों में ही मिलते हैं ना, हम लोग रेयर पीस हैं यार, बियॉन्ड लॉजिक भाई। तुम दोनों तो बहुत खुश नसीब लड़कियां हो, फिर भी वेट कर रहा हूँ। ओ 1 2 3 तो बोला ही नहीं। 1 भी प्यार करते हो? I love you, मीरा। Sorry, मधु। आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हुआ है, क्या करते हो प्रताप? It's unbelievable। मैच फिक्सिंग केस में एक जरूरी सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए दिल्ली आए थे ना, होटल में तुम रेड मारने गए थे ना, उसे छोड़कर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ब्रीच कर दिए, क्या करते हो प्रताप? I was after a suspect. ये अपना ही काम है ना सर, एवरी केस इज इम्पोर्टेंट सर। काम डाउन प्रताप, डिपार्टमेंट ने इस केस के बारे में बताया है, आफ्टरऑल ये चीटिंग केस है, 5 लाख 10 लाख करके उन लोगों ने चीट किया है, आप जैसे लोग इस केस में दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस केस में? आपको एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए, आखिर हो क्या गया है आपको? Really? Wow. खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आया? You like it? I love it. इसे देखकर तुम्हारी याद आई. I thought I must buy for you. It will always remind me of you. That's so sweet. Thank you so much.
ब्लडी है, तुम मुझे एक बच्चे के जैसा फील कराती हो, नॉट फेयर। पिंक सूट्स यू, नेकलेस, एवरीथिंग। थैंक यू। या जस्सी, मुझे बोलना ही पड़ेगा, तुम खूबसूरत हो। यहां पर तुम्हारे जैसी कोई भी खूबसूरत नहीं है। नो आई मीन दैट, एंड आई थिंक आई मीन नेवर माइंड, दिल में कुछ नहीं रखना। डोंट लुक हॉट, आई मीन इट्स रियली हॉट। इज इट? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, मीडिया का भी प्रेशर है। सॉरी प्रताप, डिपार्टमेंट से तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। कुछ भी करो लेकिन इस मेस से बाहर निकलो। सर, क्या है ये? सर, इनके कैप में एक इंफ्रारेड लाइट लगी हुई है जो किसी भी सीसीटीवी कैमरा को चीट करने का एक तरीका है। सर, हर एक गाड़ी को चेक करने का ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया है। आपका पैसा दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। Thank you. Okay. Guys, visa और document ready हो चुके हैं। दो दिन में हम थाईलैंड में होंगे। Koh Samui में settle हो जाएंगे। All set. कैसे dude? यहाँ बैठे बैठे कैसे कर लिया? भाई, tent is full of dollars. Anything is possible. थाईलैंड जाएंगे, beer पियेंगे, sandwich मार। Sandwich खाने की बात कर रहा था। Diet पर हूँ ना। क्या हुआ? तुम्हारा नाम है, कभी भूलूंगा नहीं। मेरा नाम मधु नहीं है। तेनमुली। तेनमुली है? हाँ वही है। सॉरी, मैं बताने ही वाली थी। चोर कहीं की? तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा। फ्रॉड? अरे गिर जाऊंगा। अच्छा वैसे नाम क्या है? खुद पता कर लो। अरे वो छोड़ यार, इसका नाम तेनमुली है, ये तो गांव की है। इसने कम से कम नाम तो बताया। इसने मुझे उल्लू बनाया। ये तो बता भी नहीं रही है।